नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे, एलर्जी क्या कभी ठीक नहीं होता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है। जो नए बंधु हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और बेल बटन ऑल अगर दबाएंगे तो पहले वीडियो आपको मिलेगा। और जो पुराने बंधु हैं उनसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करने का अनुरोध करता हूँ। एलर्जी सारे विश्व में 100% में करीब करीब 30% ऑफ द पॉपुलेशन कोई ना कोई एलर्जिक डिसऑर्डर से सफ़र करता है। अत्यधिक जब ऐसे तो आदमी बर्दाश्त करके चला लेता है एलर्जिक प्रॉब्लम होने से, लेकिन अत्यधिक जब हो जाता है तब उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है। एलर्जिक प्रॉब्लम जो होते हैं वो छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, बराबर खांसी होना, सांस में तकलीफ, अपनी बदन में दफड़ दफड़ होना, नोचनी होना, चुनकानी होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, इन तरह की चीज़ें होते हैं। और जो लोग सफ़र करते हैं वो रेगुलरली ये लेके सफ़र करते ही रहते हैं। दवाई जब तक चलता है तब तक ठीक रहते हैं, दवाई बंद करते हैं कुछ दिन के बाद फिर से वैसे ही शुरू होता है, फिर दवाइयों का सहारा जाना पड़ता है। तो इनके दिमाग में ये आ जाता है कि ये हमको हरदम दवाई के ऊपर डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। अच्छा, एलर्जिक है, एलर्जी जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे एक ना एक दूसरा दूसरा उपसर्ग लेके सामने आते रहता है। और मेरे पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं एलर्जिक मार्च के बारे में भी चर्चा किया हूँ। एलर्जिक मार्च एक जगह शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ोतरी होते रहता है उसमें। तो जो बराबर दवाई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये क्या दवाई से निजात मिलेगा नहीं, क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। तो सिर्फ ये बात नहीं है, एंटी एलर्जिक दवाइयों का अपना अलग साइड इफेक्ट भी है। थोड़ा ड्राउजी हो जाना, थोड़ा बॉडी बदन स्लो हो जाना, थोड़ा नींद नींद सा आना, आलस होना। तो आप फ्री होके भी एलर्जिक प्रॉब्लम में कमी आता है, लेकिन आप फ्री नहीं हो पाते हैं, पूरा खुल के चलना वो नहीं हो पाता है, वो एक लिमिटेशन रह जाता है। तो इससे क्या निजात नहीं मिलेगा? हाँ, निजात मिल सकता है, कि उसके लिए स्पेसिफिक खोज करना पड़ेगा। कारण जानेंगे तो निवारण संभव है। तो कारण जानने के लिए हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग एलर्जी टेस्ट करा देते हैं। टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट मिलता है तो पहला जो उसका खंड रहता है उस पहले खंड में ज़्यादातर ऐसे ऐसे साइंटिफिक नेम्स रहते हैं जो हम लोग जिससे परिचित नहीं है, और वो सब नाम सुन के हम लोग को अटपटा लगता है। तो इंसान का स्वभाव है कि जो चीज़ नहीं समझ रहा है वहाँ से भाग लो, और जो इजी समझ में आए उसमें इंटरेस्ट दिखाना। तो वैसे जो बोटानिकल नेम्स रहता है रिपोर्ट्स में उससे हम लोग स्किप कर जाते हैं, स्किप करके हम लोग फोकस करने लगते हैं खाने पीने वाली चीज़ों में। तो खाने पीने वाले चीज़ों में फोकस करके हम लोग वो सब खाना अवॉइड करना शुरू करते हैं कि चलो इनसे एलर्जी, चलो ये नहीं खाएंगे। तो उसके बाद भी लोग देखते हैं कि नहीं, बहुत अवॉइडेंस करने के बाद भी जो प्रॉब्लम था वो तो प्रॉब्लम रह ही रहा है। इसका मेन वजह ये है कि एलर्जी होगा क्यों? एलर्जी तभी होगा जब जो नॉर्मल सब्सटेंसेस मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरा शरीर उसके प्रति हाइपर रिएक्टिव है, उसके प्रति रिएक्ट कर रहा है और उसको सहन नहीं कर पा रहा है, बोल के वो मेरे लिए एलर्जन हो गया। मेरे शरीर में प्रवेश क्या क्या करता है? हम लोग हरदम आंख लगाते हैं खाने पे, ये खाना वो, कब ये क्या खाया था, कब क्या नहीं खाया था, इसलिए वो हो गया। ये वजह हम लोग खाने में खोजते रहते हैं। तो खाना हम लोग दिन भर में 2 बार 4 बार 8 बार खाते हैं, डिवाइडेड क्वान्टिटीज ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ खाते हैं, तो सब मिला के 1 किलो खाते होंगे, और सांस भी तो साथ में लेते हैं। तो प्रवेश करने का दूसरा माध्यम सांस है। सांस जो हम लोग लेते छोड़ते ये करीब 10,000 लीटर रोज हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं। ये सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं जो अंदर प्रवेश करके एलर्जीज क्रिएट करते हैं। तो इनका पहचान करना जरूरी है। जो जो बिना दिखने वाले दुश्मन हैं तो वो लोग कौन कौन जाके अंदर खराबी कर रहे हैं और कितने परिमाण में कर रहे हैं, ये संभव है चमड़े में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके पता करना है किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, और उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन, इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के देने से बॉडी के अंदर उन चीज़ों के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगा, इम्यून स्टेटस बढ़ जाएगा। तो इम्यूनिटी जब बिल्डअप हो जाएगा तो इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। अब ये सारा चीज़ प्रोसीड्यूर तो ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जिक रोगी लोग नहीं करते हैं, बल्कि वो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक सब दवाई के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
इन तरह कोई परिसेवा लेने का आपको जरूरत पड़े नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार के पीछे एलर्जी अजमा सेंटर में बैठता हूँ। जो अपॉइंटमेंट नंबर उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ता है और पर्सनली आना पड़ता है, तभी ये परिसेवा संभव है। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर कोलकाता।